इस वक्त हम हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 अप्रैल को जो केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको समर्पित करने वाले हैं। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये आप देख सकते हैं जो कि तिरुवनंतपुरम का रेलवे स्टेशन है, यहां पर क्या व्यापक तैयारी है। और हमारे ठीक पीछे वो ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कल का दिन काफ़ी खास रहेगा और उससे पहले तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहली ट्रेन रहेगी ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास योजनाओं की सौगात केरल को देने वाले हैं। तो ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो सेमी फास्ट ट्रेन है, वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में लॉन्च की जा रही है। और इस कड़ी में 15वीं ट्रेन है जो यहाँ पर लॉन्च की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर केरल वासियों को सौगात देने वाले हैं। इस खास मौके पर व्यापक तैयारियाँ देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि जो पूरे देश में लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की जा रही है, किस तरीके से अति आधुनिक ये ट्रेन और जो तिरुवनंतपुरम के और कासरगोड के बीच चलेगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इस नज़रिए से महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इससे दूरी काफ़ी सिमट जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसी के साथ वंदे भारत ट्रेन की एक्सप्रेस की सौगात केरल वासियों को मिल जाएगी, जो नई रफ्तार देगी, केरल वासियों की जिंदगी को आसान करेगी। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल।